हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। सो एक सर्कुलर सिलेंडर जो कि सॉलिड है उसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आपको उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस आर्टिकल को हम गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन के रूप में पढ़ेंगे आज। तो हम ये देखेंगे कि गॉस थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये उस सॉलिड सिलेंडर का फ्रंट व्यू है जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस सॉलिड सिलेंडर में रो डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट है और इसका रेडियस आर है। आपको इस सिलेंडर के कारण सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले आप ये समझे कि इस सिलेंडर को मैंने जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस किया है और आप केवल इसका फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं, इसीलिए फ्रंट से आपको यह सर्कुलर डिस्क जैसा दिख रहा है। इसमें रो डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जब हम इस पॉइंट और इसके जैसे सिमेट्रिक सभी पॉइंट को ज्वाइन करा के एक गॉसियन सरफेस तैयार करेंगे तो वो गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर के सराउंडिंग में यानी इस सिलेंडर को इनक्लोज करता हुआ एक सिलेंडर बनेगा। यहां पर एक बात पर ध्यान देना चाहिए आपको कि कंप्लीट चार्ज इस सिलेंडर का इस गॉसियन सिलेंडर में इंक्लोज हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के जगह पे लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का भी यूज कर सकते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि इस सिलेंडर की लिनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं, लैम्डा के टर्म में डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा करके हम जनरलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर पूरे लेंथ के लिए यूनिफॉर्म है हर जगह पे। और जब किसी सिस्टम का अदर डायमेंशंस कांस्टेंट होता है तो उस सिस्टम को किसी एक डायरेक्शन में डेंसिटी के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। तो चूंकि इस पूरे सिलेंडर का एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं सिंपली कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अवेलेबल है। सो हम लैम्डा वर्ड का अगर यूज करते हैं तो लैम्डा इस सिलेंडर की यूनिट लेंथ में चार्ज को प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके के एग्जांपल हमें बताते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज में भी लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए, जैसे आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, आपको अपनी शर्ट सिलवाने के लिए कपड़े की रिक्वायरमेंट है तो आप दुकानदार के पास जाके उससे कुछ इस तरीके से कपड़ा मांगते हैं कि आप मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए या 1.5 मीटर 1.5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो यहां पर गौर करने की बात यह है कि आप 1 मीटर कपड़ा मांगते हैं, 1.5 मीटर कपड़ा मांगते हैं, लेकिन दुकानदार आपको 1.5 मीटर लेंथ का धागा नहीं देता है, वो आपको कपड़ा कट करके देता है, एक एरियल पीस देता है। आप मांग उससे 1 मीटर रहे हैं लेकिन वो आपको एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो कारण क्या है कि जब आप 1 मीटर कपड़े की डिमांड करते हैं किसी शॉपकीपर से तो जिस स्थान से कपड़ा काट के वो आपको देता है उस स्थान का विड्थ कांस्टेंट है। तो विड्थ कांस्टेंट होने के कारण केवल लेंथ को ही डिफाइन कर सकते हैं आप। यानी लेंथ आप डिफाइन करेंगे कि मुझे कितना मीटर लेंथ का पीस कट करके चाहिए और विड्थ कांस्टेंट है, यहां पर विड्थ कांस्टेंट है, उस स्थान में जो कपड़ा अवेलेबल है उसकी विड्थ थ्रू आउट कांस्टेंट है और उसके लिए आप उससे डिमांड नहीं कर सकते। तो एरियल प्रॉब्लम में लेंथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है इस एग्जांपल में, ठीक उसी तरह यह एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है लेकिन चूंकि इस बॉडी का एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो आप लेंथ की लैंग्वेज में भी इसके चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके माइंड में यह प्रॉब्लम आती है कि सर इस लैम्डा और इस रो में क्या इंटरकनेक्शन है, तो सिंपली
अगर इसका सरफेस एरिया, अगर इसका रेडियस मैंने आर कंसिडर किया है, तो इस आर रेडियस पर एल लेंथ के लिए इस सिलेंडर में जो टोटल चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी, उस चार्ज का टोटल अमाउंट होगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, जबकि लिनियर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अगर इसकी एल लेंथ में चार्ज की मैं बात करूं तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी एल इंटू लैम्डा। सो अगर इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह से डिफाइन की जाने वाली लीनियर डेंसिटी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से क्या रिलेशन होगा। यानी सिलेंडर के लिए अगर मैं लैम्डा वर्ड यूज करता हूं डेंसिटी के लिए, तो वो लैम्डा डिफाइन किए जाने वाली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से इस फॉर्मूले के द्वारा कनेक्टेड होगा। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने ये गॉसियन सिलेंडर तैयार किया है। हम जानते हैं कि इस सिलेंडर से बनने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस हर रिंग पर मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस सिलेंडर में बहुत सारी रिंग बन सकती हैं, तो किसी भी रिंग की पोजीशन पर अगर आप जाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस पॉइंट पी जैसे जितने भी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर हमने कंसिडर किए हैं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल वेक्टर के अलोंग होगा। और हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस क्रिएट करने पर उसका सरफेस वेक्टर भी इस रेडियस वेक्टर के ही अलोंग होगा। सो इस पूरे सरफेस में जो हमने यहां पर बनाया है डीएस वेक्टर हर एलिमेंट्री सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी हर पॉइंट पर दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा। अब एक बात यहां पर और समझे कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जिस गॉसियन सरफेस से आप इसे इंक्लोज कर रहे हैं, आप मान लें कि आप इस सिलेंडर की एल लेंथ को एक एल लेंथ के गॉसियन सिलेंडर से कवर कर रहे हैं, और पूरा इनफाइनाइट कवर करने के लिए आप लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी ले लें। एल टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लेके आपको एक बेनिफिट यह रहेगा कि आपको दोनों एक्सट्रीम्स पर, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, तो अगर आप एल टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो उसके दोनों एक्सट्रीम्स इनफाइनाइट पे होंगे और दोनों टर्मिनल पर डिस्क आपको नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि आप अगर दोनों कॉर्नर्स पर डिस्क लेकर के इसको इंक्लोज्ड सरफेस बनाते तो भी डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता वो जीरो ही होता, क्योंकि उस कॉर्नर पर बनी हुई डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता। सो ये सभी बातें अप्लाई करने पर अगर हम गॉस थ्योरम से इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो ये बनेगा फाई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, जो कि लैम्डा की लैंग्वेज में लैम्डा इंटू एल लिखा जा सकता है विद लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस पूरे सरफेस के लिए इस ई डॉट डीएस को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ई, एंड अगर कहीं पर एक छोटे से सरफेस एरिया को डीएस कंसिडर किया जाए तो डीएस एंड कॉस जीरो डिग्री। सिग्मा समेशन से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है तो इसकी वैल्यू लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह बन जाएगा ई इंटू सिग्मा डीएस कॉस जीरो वन हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान दें लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं लिखेंगे तो आपका सिलेंडर केवल एल लेंथ का कंसिडर्ड होगा। उस केस में उसे इंक्लोज करने के लिए आपको दो कॉर्नर पर डिस्क लगानी होगी ताकि वो कंप्लीटली इंक्लोज हो। गॉस का थ्योरम एक कंप्लीट इंक्लोज सिस्टम के लिए है। वैसी स्थिति में आपको दोनों डिस्क के फ्लक्स भी यहां लिखने पड़ेंगे, हालांकि वो जीरो ही आएंगे, बट वो सब प्रॉब्लम बीच में ना आए इसके लिए मैं लिमिटिंग कंडीशन टेक करके प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो दोनों स्थितियां एक्सेप्टेबल है। अगर कोई बच्चा एल लेंथ के सिलेंडर पर बिना लिमिट के एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो दोनों कॉर्नर पर बनने वाली डिस्क के फ्लक्स को शो करे और फिर जस्टिफाई करे कि वो क्यों जीरो हो जाएगा, वो क्यों डीएस वेक्टर और ई के परपेंडिकुलर होने से जीरो हो जाएगा, वो स्टेटमेंट आपके साथ में। सो इस मेथड से ई सिग्मा डीएस इतना बन जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया एल लेंथ के सिलेंडर का जो सिग्मा डीएस का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा एल लेंथ के सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इंटू एल। इस गॉसियन सरफेस का 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है और एल इसकी लेंथ है, तो जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लेंथ, और साथ में लिमिटिंग कंडीशन लेके चले आप
क्योंकि क्वेश्चन को हमने शुरू से ही लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व किया है, सो ये बन जाएगा इतना, और फिर इसे सॉल्व करने पर ई का वैल्यू आ जाएगा लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट एंड टू पाई आर एल इन डिनोमिनेटर। एल को कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाएगा वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ जाएगा। इसे फोर करके अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर पे और इस टर्म को के नाम दे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल वैल्यू आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r विद r कैप। यानी एक सिलेंडर अपने आउटर पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसका आउटकम वैसा ही है जैसा इस आर्टिकल से पहले हमने एक स्फेरिकल सेल के लिए बनाया था, या उससे पहले हमने एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए बनाया था जिसमें लैम्डा डेंसिटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक दूसरी कंडीशन पे आइए इसे प्रूफ करने के बाद। हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर 2k लैम्डा बाय r है। अब मान लीजिए आपको इस सिलेंडर के इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट करना है, तो इस डायग्राम को चेंज करके अब मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए ये वो सिलेंडर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और अब आपको इस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है। इस सिलेंडर का रेडियस आर है जो पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो बस अब इतना ही चेंज आएगा क्वेश्चन के सॉल्व करने में कि अब इस पॉइंट की सिमेट्री मेंटेन करने वाले जितने भी पॉइंट है उन्हें मिलाकर के गॉसियन सरफेस तैयार करेंगे आप, और इस गॉसियन सरफेस के लिए आप गॉस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी इस बार भी, तो किसी भी सरफेस के एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी और उनके बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा। सो कॉस जीरो डिग्री का ही रिक्वायरमेंट होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस पर, और जब हम इस गॉसियन सरफेस के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम लगा के, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। आप ध्यान से देखें, ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड चार्ज इस सिलेंडर का नेट चार्ज नहीं है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अगर मैं मान लूं कि इस सिलेंडर का लेंथ L कंसीडर किया है मैंने और रेडियस R गिवन है, तो इसमें जो चार्ज इंक्लोज होगा उसे हम लिख सकते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल विद लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन क्यों लगा रहा हूं आप समझते हैं, वैसे कई बार मैंने दोनों तरफ डिस्क लगा के भी इसको अपने कई वीडियोस में सॉल्व किया है। लिमिटिंग कंडीशन लगा के सॉल्व करके हमें जो बेनिफिट होता है मैंने आपको बताया कि हम दोनों डिस्क के कॉर्नर्स एक्सट्रीम पर मान लेते हैं और फिर उसे नब हिस्सों करें तो डिस्कशन में वो बात नहीं आती है बीच। सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब अगर हम इस E dot ds को पूरे सरफेस के लिए सॉल्व करें तो इस कंडीशन में ये बनेगा E जो कि इस पूरे गॉसियन सरफेस पर न्यूमेरिकली सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा है सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन भी वैसा ही है। सो जीरो डिग्री एंगल बनेगा E और ds के बीच में हर एलिमेंट्री एरिया के लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा E ds cos 0 डिग्री विद सिग्मा समेशन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी रो पाई आर स्क्वायर l बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसे पूरा सिग्मा समेशन करें पूरे सरफेस के लिए तो ये बन जाएगा E सिग्मा ds इक्वल टू लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी रो इंटू पाई आर स्क्वायर l बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ds माने l लेंथ के कंसिडर किए हुए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो r रेडियस का स्मॉल r रेडियस का जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r l होगा विद लिमिटिंग कंडीशन। जहां भी l यूज होगा मैं उसमें लिमिट लेके चलूंगा, तो ये बन जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर l बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली e का वैल्यू आ जाएगा लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r L। अब L को और पाई को कैंसिल करने पर एक R का पावर भी कैंसिल हो रहा है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हम जानते हैं कि अब इसमें एल का टर्म नहीं है तो लिमिटिंग कंडीशन हटाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। यहां पर ध्यान दें कि मैंने आर पे ही वेक्टर डेवलप किया क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर आउटवर्ड रेडियस के अलोंग है। और अगर इस स्फीयर इस सिलेंडर का माफ कीजिएगा अगर इस सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। लेकिन आपका फॉर्मूला यही रहेगा क्योंकि उस कंडीशन में रो के नेगेटिव आ जाने से ये आर वेक्टर ऑटोमेटिकली माइनस आर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको हर स्थिति में यही फॉर्मूला लगाना है चाहे सिलेंडर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो या नेगेटिव चार्ज, चाहे सिलेंडर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो या नेगेटिव, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। सो ई वेक्टर आ गया रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर, यानी सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट्स पर अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ लीनियर रिलेशन मेंटेन करता है जबकि बाहर के पॉइंट्स पर ये जैसा भी हमने देखा था 2k लैम्डा बाय r से दिया जाता है यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से आप गॉस थ्योरम का यूज करके एक सिलेंडर के अंदर बाहर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखें जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि अभी पोलराइजेशन वेक्टर और डाई इलेक्ट्रिसिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बेसिक केस पे ही डिस्कस किया हुआ है हमने। सो बिना डायलेक्ट्रिक को डिस्कस किए मैं के की बात नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए यहां पर मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूज नहीं किया है। अदरवाइज जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक मटीरियल के ऊपर का पॉइंट है तो उस पॉइंट पर जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसके आने की भी स्थिति बनेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जहां एप्सिलॉन नॉट टर्म है वहां एक के से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो अभी हम ये मान के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, आप अपना माइंड ऐसे मेकअप कर लें कि आप फिलहाल ये कंसिडर कर लें कि अंदर बाहर हर जगह जो मीडियम यूज हो रहा है उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वन, हालांकि हम जानते हैं कि वन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एयर का होता है बट ठीक है के को अगर बीच में नहीं लाना है तो नॉर्मली हम अभी ये कंसिडर करके डिस्कस कर रहे हैं कि के की वैल्यू वन है। जैसा कि इरोडो की प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं कि जब बिना पोलराइजेशन वेक्टर को यूज किए उसे कोई प्रॉब्लम पूछनी होती है तो ये स्टेटमेंट इरोडो के हर प्रॉब्लम में होती है कि यू कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ के एज वन एवरीवेयर इनसाइड और आउटसाइड। तो इसी सिमिलर पैटर्न में हम के को वन मान के क्वेरी किए हैं, लेकिन ये बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम पोलराइजेशन वेक्टर और डायलेक्ट्रिसिस पढ़ लेंगे तो इस स्फीयर इस सिलेंडर के अंदर या जब स्फीयर पढ़ा था तो उसके भी अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय इस एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में चेंज आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट के से चेंज हो जाएगा। तो जब हम डायलेक्ट्रिसिस पढ़ेंगे तो हम इस बात को डिटेल में समझेंगे कि ये के जो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो किस कारण से होगा और उसका कॉज जानेंगे। थैंक यू।